हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेरिडिट्री डिजीज़। हेरिडिट्री डिजीज़ कौन सी है? तो हेरिडिट्री डिजीज़ है हीमोफीलिया। हेरिडिट्री डिजीज़ कौन सी होती है? जो पेरेंट्स से आगे बच्चों को होती है, उसको बोलते हैं हेरिडिट्री डिजीज़। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्रेटिनिज्म इन ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म एक ह्यूमन डिसऑर्डर है। क्रेटिनिज्म इज़ अ ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज़ ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ। ये किसकी अंडर सिक्रीशन से होता है क्रेटिनिज्म? तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की अंडर सिक्रीशन में, राइट। इसमें होता क्या है क्रेटिनिज्म में? क्रेटिनिज्म में प्रॉपरली फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो यहाँ पे क्या होता है क्रेटिनिज्म के केस में? स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन आएगा HORMON ही है ये। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड कौन कौन से हैं? अब देखो यहाँ पे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में है, ये जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी है। प्यूरिन्स क्या होते हैं? जो प्यूरिन्स होते हैं दे आर हेट्रोसाइक्लिक। प्यूरिन्स क्या होते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स हेट्रोसाइक्लिक होते हैं ये, राइट। इनमें टू रिंग कंपाउंड होता है, जैसे कि इसकी जो एग्जांपल है प्यूरिन की वो कौन सी हो जाएगी? एडेनाइन एंड गुआनाइन। इसकी एग्जांपल क्या है प्यूरिन की? एडेनाइन एंड गुआनाइन, राइट। दूसरा यहाँ पे दे रखा है पिरिमिडिन। जो पिरिमिडिन होते हैं दीज आर सिंगल रिंग कंपाउंड। ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, दीज आर सिंगल रिंग कंपाउंड, राइट। ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या कौन कौन सी है? थायामिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये है इसकी एग्जांपल्स। तो प्यूरिन में बेसिकली एडेनाइन एंड गुआनाइन आ जाते हैं और पिरिमिडिन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? थायामिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो ये तीन आते हैं पिरिमिडिन के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि जो प्यूरिन्स है उसमें कौन से आते हैं? एडेनाइन। एडेनाइन वाला तो सही था, लेकिन जो थायामिन है ये किसमें आता है? ये पिरिमिडिन के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? गुआनाइन, राइट। क्या आना चाहिए था? गुआनाइन। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाली है दैट इज रॉन्गली मैच्ड। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन अ डिवेलपिंग ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद। डिवेलपिंग ऑर्गेनिज्म्स में जो डिफरेंशिएशन होती है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ की, वो किससे एसोसिएटेड होती है? तो वो एसोसिएटेड होती है जीन्स के साथ। किसके साथ? जीन्स के साथ। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसोम कंटेन्स। जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं इनमें डीएनए भी होते हैं और हिस्टोन्स भी होते हैं, राइट। न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं दीज आर कोर पार्टिकल्स। इनमें टू कॉपीज होती है हिस्टोन प्रोटीन्स की। जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं दे कंटेन्स टू कॉपीज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। टू कॉपीज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 146 बेस पेयर होते हैं इनमें डीएनए के, एंड 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, बेस पेयर ऑफ डीएनए, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल हैज स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रैकॉन, दीज आर स्मॉल यूनिट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है, प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ अ डीएनए बैक्टीरियल सेल इज ट्रांसफर टू अनदर थ्रू वायरस। अब उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है जिसमें डीएनए बैक्टीरियल सेल जो है वो
वायरस के थ्रू दूसरे डीएनए बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड अकर इन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये सारी लिविंग फॉर्म्स में होता है, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। स्मॉलेस्ट पार्ट दैट अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन, तो वो कौन सा है, दैट इज रेकॉन। कौन सा पार्ट है, रेकॉन। नेक्स्ट डीएनए स्ट्रैंड है। अब डीएनए स्ट्रैंड जो होता है इनमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। कौन सी पोलैरिटी होती है, एंटी पैरेलल। ये डीएनए स्ट्रैंड्स है तो इनमें जो बेस पेयर, अभी हमने बात करी थी ना बेस पेयर्स की, तो ये रहे इनके ये बेस पेयर्स, ग्वानिन साइटोसिन थायमिन एडेनाइन, राइट। इन ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ टॉल पी प्लांट्स, टॉल पी प्लांट को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल टी से, बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स, वायलेट फ्लावर्स को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल डब्ल्यू से। वॉज डन विथ पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट से ये ब्रीडिंग हो रही है, टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट। ये जो शॉर्ट वाला है इसके जो फ्लावर्स है वाइट है, तो स्मॉल डब्ल्यू से इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। द प्रोजनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, जो प्रोजनी होगा मतलब आगे जो ऑफ स्प्रिंग होगा इससे जो आगे फ्लावर बनेगा आफ्टर ब्रीडिंग, तो उसके वायलेट फ्लावर्स होंगे, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। देखो अब जो प्रोजनी होगा इसके आगे जो फ्लावर बनेगा तो वो फ्लावर क्या होगा, वायलेट कलर का होगा, राइट। कौन सा है, इन्होंने बोला वायलेट कलर का, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है वायलेट फ्लावर्स है। वायलेट फ्लावर्स के लिए कौन सा सिंबल दिया था इन्होंने, कैपिटल डब्ल्यू का, मतलब राइट। प्रोजनी ऑल बोर, मतलब सारे के सारे जो आगे फ्लावर्स आएंगे वो वायलेट होंगे, सारे आएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। अब इन्होंने बोला आधे शॉर्ट होंगे, इट मींस आधे टॉल होंगे, तो 50-50 है, तो आधे शॉर्ट के लिए हम स्मॉल टी ले लेंगे और आधे टॉल के लिए कैपिटल टी आर, राइट। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी, जेनेटिक मेकअप क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, थ्री ओनली, राइट। नेक्स्ट है विच वन इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड हमें बताना है। फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्सओ। अब जो डाउन सिंड्रोम्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें ट्राइसोमी होती है, इसमें जो ऑटोसोम्स होते हैं ना ये 21 पेयर्स होते हैं, ऑटोसोम्स के 21 पेयर्स होते हैं, तो 21 पेयर्स होंगे तो कितने हो जाएंगे ऑटोसोम्स, 42 ऑटोसोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होते हैं, जो बच्चों में डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है वो क्रोमोसोम कम होने की वजह से होती है, तो यहाँ पे 21 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, जिसकी वजह से ये डाउन सिंड्रोम जो है बीमारी होती है। नेक्स्ट है लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, इसमें 44 ऑटोसोम्स और एक्स एक्स वाई, ये वाली स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच्ड है। लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें ऑटोसोम्स तो ठीक है 22 पेयर्स ही होते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन इनमें ये एक्स वाई के साथ एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है रिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। अब जो रिथ्रोब्लास्टोसिस है ये एक्स लिंक्ड जो डिजीज नहीं है, ये क्या है, ये होती है आरएच फैक्टर डिपेंडेंट, ये डिजीज जो होती है ये आरएच फैक्टर डिपेंडेंट होती है, आरएच फैक्टर डिपेंडेंट डिजीज है। तो यहाँ पे ये वाला भी रॉन्गली मैच्ड है। कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक्ड होती है, जो कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर्स होते हैं ना वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में जो कैरियर क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स यहाँ पे नहीं होते, तो डी वाला भी यहाँ पे रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जीन इज, जीन क्या है, जीन इज अ पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट विच डिटरमाइंस हेरिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, ये पर्टिकुलर ट्रेट की हेरिडिटी को डिटरमाइन करता है जो जीन होता है, राइट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिसमैच, मिसमैच जो है उसके बारे में हमें बताना है। लिनफेल्टर सिंड्रोम,
लिनफेल्टर सिंड्रोम, यही यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था जो लिनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन इनमें दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है XXY क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। कौन से होते हैं यहाँ पे, XXY क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला ही यहाँ पे मिसमैच है जो है रॉन्ग है। हीमोफीलिया ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, पेरेंट्स से आगे बच्चों को होती है। डाउन सिंड्रोम ये ऑटोसोमल डिजीज है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल विद रिलेटेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे सही है। तो फर्स्ट वाला जो है वही रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए, कौन सा प्रोफेशन है जिसमें कि जो वर्कर्स होते हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके डीएनए में परमानेंटली चेंज आ जाती है, मतलब डीएनए जो उनका होता है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। तो कौन से हैं, फर्स्ट इन्होंने कौन से दे रखे हैं, रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप्स। अब जो रिसर्चर्स होते हैं जो कार्बन 14 आइसोटोप्स यूज करते हैं वहां पे रेडिएशंस बहुत होती है, तो कंटिन्यूसली उसके जो रेडिएशंस में वो रहते हैं रिसर्चर्स, तो इसका इफेक्ट पड़ता है, ये जो रेडिएशंस होती है इन रेडिएशंस का इफेक्ट पड़ता है उन रिसर्चर्स के डीएनए में, राइट। रेडिएशंस होती है, हार्मफुल रेडिएशंस होती है, तो ये क्या करती है, वो जो रिसर्चर्स कंटिन्यूसली इनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं रेडिएशंस के, तो वो उनके डीएनए जो सेल का होता है उसको परमानेंटली ही चेंज कर देता है। सेकेंड है एक्सरे टेक्नीशियन, अगेन एक्सरे टेक्नीशियन में भी सेम होता है, ऑल्दो ये जो होते हैं ना एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, रिसर्चर्स हो गया, ये प्रॉपर एक तरह से खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, बट स्टिल पूरा दिन उन रेडिएशंस में रहना, उनके एक्सपोजर में रहना रेडिएशंस के, तो उन रेडिएशंस का इफेक्ट जो है इन पर्सन्स पे पड़ता ही पड़ता है, इनके सेल पे पड़ता है, सेल का जो डीएनए है वो परमानेंटली धीरे धीरे क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। धीरे धीरे होता है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एकदम से चेंज हो जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि अब जो जॉब कर रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन है या रिसर्चर्स है तो ये कंटिन्यूसली कितने सालों तक जॉब करते रहते हैं, 25 30 40 साल वो उसी फील्ड में जॉब करते रहते हैं, तो उसकी वजह से परमानेंटली उनके सेल का डीएनए ही चेंज हो जाता है रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से, राइट। कोल माइनर्स की बात करें, कोल माइनर्स में क्या होता है, जो कोयले के मतलब टच में रहते हैं, कोयले के आसपास रहते हैं, वही में जो कोल माइंस है वहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो उनमें दिक्कत जो आती है ना कोल माइनर्स के, इनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, राइट। इनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, इनके डीएनए या सेल्स पे कोल माइनर्स के कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। तो कोल माइनर्स का जो डीएनए है वो चेंज नहीं होता। डायर्स पेंटर्स अगेन इनका भी जो चेंज डीएनए है वो चेंज हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पेटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड। पेटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड ये कैसे पता चलता है पेटर्निटी का, ये पता चलता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, पेटर्निटी का डीएनए फिंगरप्रिंट, या हेयर का सिंपल है लो वहां से डीएनए आप मैच कर सकते हो फादर का, पेटर्निटी मींस फादर, जो बच्चे का फादर है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप फादर का पता कर सकते हो। दूसरा क्या है, कोई हेयर सैंपल ले सकते हो, स्किन का सैंपल ले सकते हो, वहां से भी आप पेटर्निटी का पता कर सकते हो। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पे थ्योरीज दे रखी है, तो ये कौन से रिसर्चर ने दी है, साइंटिस्ट ने दी है, वो हमें बताना है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है ये दी थी डी बरीज ने, किसने दी थी, डी बरीज ने। सेकंड है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये दी थी डार्विन ने, डार्विन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये किसकी थ्योरी है, ये है बीडल एंड टैथम की थ्योरी। थर्ड है ऑपरन कॉन्सेप्ट, ये जैकब एंड मोनोट का है, राइट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन की स्टेटमेंट, असर्शन क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी जीन। बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा,
सबने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में कि जो बीटी कॉटन होती है ये कॉटन की ही एक वैरायटी है। इसमें क्या होता है, जो कॉटन होती है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है, जो कॉटन का प्लांट होता है उसको कीड़ा वगैरह इंसेक्ट नहीं लगता, राइट। तो ये जो वैरायटी होती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है कॉटन की जो बनाई गई है बीटी कॉटन जो है, अब इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने बीटी जीन इंसर्ट किया है तभी इन्होंने इसका नाम रखा है बीटी कॉटन। तो ये जो कॉटन की वैरायटी है इसमें इन्होंने बीटी जीन इंसर्ट करा है, उस जीन की वजह से ये जो कॉटन की वैरायटी है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन गई है। उस जीन की वजह से ही इस कॉटन जो है, इस कॉटन को कीड़ा वगैरह या इंसेक्ट नहीं लगता, वो इसको खराब नहीं करता, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। रीजन क्या है, द बीटी जीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियम। ये जो बीटी जीन है ये इन्होंने कहाँ से लिया, बीटी जीन इन्होंने लिया है एक बैक्टीरिया से। किससे लिया है, एक बैक्टीरिया के, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्रिंजिनेंसिस। बैसिलस थ्रिंजिनेंसिस, राइट। तो यहीं से इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है बीटी की, तो बैसिलस थ्रिंजिनेंसिस ये क्या है, बीटी की फुल फॉर्म है। तो इस बैक्टीरिया से ये जो जीन है ये तैयार किया गया था, जो इसमें इंसर्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी बनी है कॉटन की। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी राइट है, दोनों स्टेटमेंट्स राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लेड टू। हीमोफीलिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से आगे बच्चों को होता है। तो इसमें होता क्या है हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया में होता है कि इसमें जो ब्लड है ब्लड क्लॉट नहीं बनता, जैसे कहीं पे चोट लगी है तो उस चोट पे जो ब्लड निकलता है तो वो क्या है, वो निकलता रहता है, उसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है इसमें हीमोफीलिया में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।